बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज दिल्ली स्टाइल रेसिपी में आपके लिए बनाने के लिए लाई आपके लिए दिखाने के लिए लाई हूँ एक बर्गर बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए हैं दो बर्गर बन लिए हुए मैंने, इसके लिए दो कबाब, थोड़े से टमाटर और थोड़ा सा खीरा। और इसके लिए मैंने ली है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको वैसे तो ये मेयोनीज के डब्बे में है, लेकिन मैंने इसमें जो है ये दोबारा से ये वाइट शॉर्मा सॉस है और मैंने इसको जो है बना के वापस इसी में भर दिया था। और इसकी जो रेसिपी है हम अपलोड कर चुके हैं, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत सारे मैंने मसाले मिलाए हुए हैं, तो आप इसको इस रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमने जो है बन को बीच में से चीर के रख लिया है, और मैं ये करूँगी कि थोड़ा सा बहुत मामूली सा घी लगाऊंगी इसके ऊपर और इसको तवे पे सेक लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अभी सूखा सूखा सा हो रहा है। और ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर मेयोनीज भी लगानी है। बहुत हल्का सा घी लगा के मैंने इसको जो है अभी गर्म होने के लिए रख दिया। ये देखिए अच्छा लगता है थोड़ा सा अगर अंदर से सिका हुआ, वैसे आप चाहें तो कच्चा भी लगा सकते हैं। ये देखिए हल्का सा ही सिक गया है, और अगर आपको कच्चा पसंद है तो आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा ही पसंद है। ये अभी इसको थोड़ा सा मैं अंदर से और सेक लूँगी। ये देखिए ये भी अभी थोड़ा सा कच्चा है। ये देखिए मैंने हल्के हल्के सारे सेक लिए, और अब मैं इसके ऊपर मेयोनीज लगाऊंगी। आप चाहें तो इसको कच्चा भी सेक सकते हैं बगैर घी लगाए। ये जो मैंने वाइट शॉर्मा सॉस में लगा रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी बनी है, और हम इसको सैंडविच वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये करेंगे कि इसके ऊपर एक रखेंगे सबसे पहले कबाब और थोड़ा सा खीरा, एक पूरा टमाटर। ये बर्गर तैयार है मेरा। ये मेरे पास बटर पेपर का रोल था, तो मैंने इसमें इसको जो है लपेट दिया है, और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको लगा देना है। ये बर्गर मैंने सर्व कर दिए हैं, ये बर्गर मैंने सर्व कर दिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बराबर में एक बेल आइकॉन होगा उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।